तो आज मैं आपको एक हटके कॉम्बिनेशन दिखाने वाली हूँ चिकन का, और ये है भिंडी और चिकन। मैंने तो कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, हो सकता है आपने ट्राई किया हो। तो ये मैं अपनी एक लंदन की फ्रेंड से सीख रही हूँ, तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और खुद भी सीखती हूँ। सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे, बहुत छोटे पीसेस नहीं काटेंगे नहीं तो बहुत गल जाएंगे, तो मीडियम साइज पीसेस रखेंगे। तो ये भिंडी कट के तैयार है। अब हम चिकन के पीसेस को भी बाइट साइज में काट लेंगे, बहुत मोटे मोटे पीसेस नहीं चाहिए, अंदाजन जितने भिंडी के पीसेस हैं उससे थोड़े से बड़े चलेंगे, तो इनको भी काट के तैयार कर लीजिए। काटने से पहले चिकन को अच्छी तरह धो लेना और एक्स्ट्रा फैट जो भी है वो पूरा रिमूव कर देना, और फिर ये छोटे पीसेस काट के अलग से रख। एक कढ़ाई को गरम करके उसमें घी डालेंगे, उसके बाद जो कटी हुई भिंडी है वो उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए उसे हम रोस्ट करेंगे सूखा, उसे जो चिपचिपाहट है भिंडी की वो पूरी निकल जाएगी। तो उसको कुछ देर के लिए सेकिए, बहुत तेज़ आग पे नहीं, और इसकी जो चिपचिपाहट है उसे हमें पूरा निकालना है, और उसके बाद इस भिंडी को ढक के हम आहिस्ता आग पे पकने देंगे। प्याज को हमने लंबा लंबा काट लिया है, और अब एक दूसरी कढ़ाई में हम थोड़ा घी और लेंगे। ज़्यादातर आजकल खाना मैं घी में ही पकाती हूँ, और उसके बाद हम इस प्याज को इसमें डाल देंगे और प्याज को धीरे धीरे भूनने लगेंगे। हाँ, थोड़ा सा नमक हम पहले ही डाल देंगे ताकि प्याज नरम हो जाए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्याज जब थोड़ा पानी छोड़ता है जल्दी नरम हो जाता है, और साथ में भिंडी भी पक रही है। चलिए अब प्याज को ढक देते हैं ताकि वो जल्दी से नरम हो जाए, और कुछ देर पकने के बाद हम इसकी जो हीट है उसको थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि अब वो ब्राउन होना भी शुरू हो जाए। थोड़ा ब्राउन तो चाहिए ना प्याज। अब उस प्याज में हम मसाले डालना शुरू करते हैं, थोड़ा अखा जीरा लेके डालेंगे, और फिर उसके अंदर अखी काली मिर्ची भी डालेंगे। अब हम जो कटा हुआ चिकन है उसको डाल के उसको प्याज के साथ भूनना शुरू करते हैं। चिकन भून रहा है, कुछ देर के बाद हम इसे ढक देंगे और पकने देंगे, और साथ साथ इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे, और उसके साथ थोड़ी देर और चिकन को पकने देंगे। हमारी भिंडी जो तैयार हो चुकी है उसे हम एक कटोरी में अलग से निकाल लेते हैं। हाँ, टेस्ट तो कर लो कितनी गली है। इट्स स्टिल क्रिस्पी। दोनों हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद उसे थोड़ी देर तक पकने देंगे ताकि कोई कच्चे मसाले नहीं रह जाए। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट मसाला है इनका, अचारी मसाला। ये पहली बार मैंने डाला है एक्चुअली अचारी मसाला। कुछ टमाटर लेंगे और उनके चार पीसेस कर लेंगे, मोटे मोटे पीसेस रखेंगे, और इन टमाटरों को हम फिर अपने चिकन के अंदर डाल देंगे।
अब इन टमाटरों को चिकन के साथ अच्छी तरह भूनेंगे ताकि टमाटर गल जाए। कुछ वक्त तो लगेगा इसमें। Little bit of water. That's all you need, but not more. Just enough to get it a little moist. थोड़ा सा पानी जो हमने डाला है उसमें अब चिकन को पकने देंगे और उसके बाद हमारा फाइनल इन्ग्रीडियंट हमारी भिंडी जो हमने तैयार करके रखी है इसके अंदर डाल देंगे। अब हम भिंडी को चिकन के साथ पकाएंगे ताकि दोनों फ्लेवर्स अच्छे से आपस में मिल जाए। तो उसको कुछ हिलाइए और फिर उसको ढक के कुछ देर पकने दें। अब हम उसे धीमी आंच पे पकने देंगे कुछ देर के लिए। इस स्लो फायर की जो कुकिंग होती है उसमें सारे जूसे अच्छी तरह मिक्स हो जाते हहैं और कुछ देर हम उसे और आहिस्ता आंच पे पकने देंगे। अब उसे आग से उतार दीजिए और हम सर्व करने के लिए तैयार हैं। हमारी भिंडी चिकन विथ टमेटोज इज रेडी फॉर ईटिंग। और बेस्ट तरीका ये है कि जब आप इस चिकन को तैयार करते हैं हल्की सी ग्रेवी जो रहती है तो आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं और यहाँ लंदन में तो पीता ब्रेड रेडी तैयार रहती है उसके साथ खा सकते हैं।